बस किशोर दुबे जी के पहचान तो इसे भोजपुरी के रूप में बा, लेकिन यहाँ के पूरा एक लोक परंपरा के बिहारी गौरव तो बढ़ले बनी शुरू से, और पूरा जब हिंदी इलाका के हिंदी पट्टी में लोक संस्कृति के बात चली, लोक जीवन के बात चली, लोक रस के बात चली, लोक रंग के बात चली, तो किशोर दुबे जी के नाम एक बहुत महत्वपूर्ण नाम आई। बहुत खुशी के बात बा भोजपुरी लोग खातिर, तो और खुशी के बात बा कि काल घोषणा भइल ह जो भारत सरकार के संगीत नाटक अकादमी के पुरस्कार मिलेला, सम्मान मिलेला, जो बहुत देश के प्रतिष्ठित सम्मान है जो राष्ट्रपति जी दीना, वो ब्रजकिशोर दुबे जी के मिले के बाद एक तरीका से समझिए कि पूरा बिहार खातिर, पूरा हिंदी इलाका खातिर बड़ा गौरव के बात बा। यहाँ के बारे में जो लोग देखत बा वो बहुत परिचित होके इनकर नाम से, जो भोजपुरी गीतन के दुनिया से परिचित होके लंबा समय से यहाँ के काम कैले बनी भोजपुरी के, चित्रगुप्त जी सत एसोसिएट रहल बनी यहाँ के, शारदा जी खाती शारदा जी के गीत जब बड़ा मशहूर भई, खैनी बड़ा धोखा प्रीतिया लगाई के यहाँ के लिखले रहनी, जो बिहारी बाबू फिल्म आई शत्रुघ्न सिन्हा जरा के बाद नाम भई बिहारी बाबू, बिहारी बाबू के गीत यहाँ के लिखनी, माई सिनेमा के गीत लिखनी, और कई सिनेमा के और गीत लिखनी, यहाँ के महुआ सिनेमा के गीत लिखनी, लेकिन गैर सिनेमाई संगीत भी यहाँ के खूब रचनी। लोहा सिंह जे रामेश्वर सिंह कश्यप के नाटक बहुत फेमस भई, ओमे जे कवि जी के भूमिका में रहनी, वो यहाँ के रहनी, लगातार अखबारन में स्तंभ चलल इनकर लोक शैली में मिला के वही स्टाइल में जो लोहा सिंह के स्टाइल रहे। तो ब्रजकिशोर दुबे जी हमी के साथे बनी, और साथ में चंदन बाड़ी, चंदन तिवारी, ये बहुत संजोग से ये लोग पहले भी एक दो इंटरव्यू साथ में कैले बा, महेंद्र मिश्र जी और पूर्ण तिथि पर जब देने के रहे तब देने बा, और ब्रजकिशोर दुबे जी के बहुत सानिध्य में रहला चंदन के, और दो लोग बा साथ में। हम चाहब कि ये दो लोग के ही बात कही होके हम एकरा में से हट जाई, एक एकरा में बीच में आग्रह जरूर करब कि चंदन एक दो गीत तो पहले सुनावस, यहाँ के लिखल एक दो गीत के बोल सुनावस। एगो बिहारी बाबू फिल्म के गीत रहे, ज्यादा तना दुलन याद बहु के खावत हनी, राखी हर साल कहे राखी हर साल कहे ले सवनवा में भैया रखी है तू अपना नैनवा में भैया रखी है तू अपना मनवा में राखी हर साल कहे ले सवनवा रखी है तू अपना मनवा में भैया रखी है तू अपना मनवा में। और एक और गीत रहे फिल्म हमरा याद नहीं थे लेकिन गाना याद था, एक ता चढ़ल जवनिया एक ता चढ़ल जवनिया दूजे हीरा चढ़ल नथनिया जवनिया जादू डारे ना नथनिया मंत्र मारे ना जवनिया जादू डारे ना नथनिया मंत्र मारे ना। इधर होगी तो मैं याद आ बहुत बढ़िया। ब्रजकिशोर दुबे जी के एक दिन में एक गीत यहाँ के रचले रही, हम अखबार में काम करत रही बसंत पर एक अंक निकालत रही लोक रंग पर, या के हम कहनी बहुत अधिकार के रिश्ता बाकी रुवा राउर गीत चाहिए हमारा भी चाहिए, तो गीत तो पोस्टर हम बना के बहुत लोग बनी बसंत के महीना रहे यहाँ के, महीने भर में एक गीत लिखनी दू घंटा में लिख के देनी कि आई बसंत गम कम गम के चारों ओर हो उनके, चंदन एक गीत के वॉइस में भी देने पड़ी अपन गीति बिहार के कहीं प्रेजेंटेशन करेगी बसंत में, तो यह गीत से ही शुरुआत करेगी चंदन के हम कह भी देते हैं यहाँ के सामने सुनाओ यहाँ के लगे नहीं यहाँ कोई सौभाग्य न मिलल बाज नयनन के बाल में
लागल पराए लाज जैसे सिवान में देर से बुताए लगिया देर से बुताए लगिया भैले धरो उनके कोयलिया राते और भी जो आयल बसंत गम गम आयल बसंत गम 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 के चारियोर हो उनके कोयलिया राते और भी जो उनके कोयलिया राते और भी जो ब्रजकिशोर दुबे जी के सब परिचय में ही बा यहाँ के बहुत उम्दा गायक गायक कलाकार हैं। इतना प्रतिभा जो गीतकार भी होके जो लेखक भी होके जो कला ब्रह्मज्ञ भी होके समीक्षक भी होके और गायक भी होके कम लोग भाई सब तो हमने की तो यहाँ के आगरकर जी की अपन गीत के प्रक्रिया पर यहाँ के छोटा छोटा सा बताई एगो बड़ा बढ़िया इनकर बहुत मशहूर गीत कई गो गीत इनकर मशहूर बा सब गीत मशहूर है बा लेकिन मोटा चाउन यहाँ के भी वो गीत गाई ना बसमतिया चाउन लेकिन वो हमरा अभी हम सब तू लाइन तो सुनने ले जाई तू लाइन सुन ली बसमतिया चाउन यहाँ के गीत लेकिन रुआ बताई कि ये जो सम्मान मिला रुआ के तो ये सम्मान भी तो रुआ बहुत पहले से भी हकदार रही रुआ पिछला साल जब विंध्यवासिनी देवी के नाम पर बिहार सरकार बिहार कला सम्मान से 2013 में पहली का विंध्यवासिनी देवी सम्मान यहाँ के मिलल बा अब हमने के दुबे जी के बात सुनल जी मैंने हमारा बुझात नहीं कि अपना लोग के बीच में का बोलिया कहाँ से शुरू करी अपना बारे में हम का बोली अपना बारे में बताइए रुमा जी आज चल रहा हुआ भोजपुरी को कोई बताइए गीत के दुनिया में चल दरअसल हम तो गांव के लिखा रही पढ़े खातिर पटना आ गई तो हम ना जानत रही कि हम संगीत में आ जाए तनि मनी गुनगुना रही नाटक उटक में पात्र परिचय गवा दे लोग स्कूल में प्रार्थना गावत रही ये सब तो कहीं से दूर दूर ऐसा ना रहे कि हम संगीत के क्षेत्र में जाए और तो लेकिन वो जो कहल जला कि जो कला और साहित्य के जो बिया बा वो समय पा के तो आ जाइए अपन रूप दिखा दी तो हाई स्कूल तक तो ना बुझाए कॉलेज में गई तो वहाँ पद्मश्री रामेश्वर सिंह कार्यक्रम लोहा सिंह जी हमारे प्राचार्य रही वहाँ का एकाध बार एकाध गो आयोजन कर ली जनरल में हम भाग ले ली और संजोग ऐसा रहा कि वहाँ के हमरा के बहुत पसंद कैली और अगर इस वहाँ के आशीर्वाद मिले लगा यूनिवर्सिटी में एक्टिंग में सेकेंड चैम्पियन हमरा के घोषित कर ली अगर इस वहाँ के और हमरा के बेटा ऐसा माने लगली मित्र ऐसा माने लगली होत होत हम फिर पटना पढ़े चल अली पढ़त रही आई रही साधारण परिवार का लेकर रही आई एस बने के सपना लेके आई नहीं इम्तहान वगैरह देवे लगनी पढ़ लगनी यही में हमरा अब बुझाला कि तेरे मन पछु और है विधना के पछु और मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज हम जिंदगी में कबो ना सोचले रहे कि हम साहित्य और संगीत के क्षेत्र में आ जाए कहाँ से वो पहुँची रहे जी हमरा के कि कबो हमरा ना बुझल कि केने से हमारा रास्ता गबरा गई अचानक हमरा कुछ समय के मांग भइल हमार मित्र मंडली लोग कहल कि एगो मित्र रहले जे कहले कि रेडियो में फार्म भरे के चाहिए तोरा हम भाई हम ऊजा उतना साज बाज पर हम ना गा सकी का कैसे गा लीला अतना तू भर दे फार्म हम भर देली बुलाओ गए हम जाके अपन इंटरव्यू देली हम देली कि अहिया हमरा का लोग पसंद करे वो तो साज बाज पर कबो लेके यहाँ से गौले ना रही वो बाद में वो जो चिट्ठी ऊजा से आवला कि आपका स्वर हमारे अनुकूल पाया गया अब ओकरा बाद जे तनाव भइल वो हम नवक ना बोलन कर सकी अब तो हमरा बिहार लाल किया तो हम पढ़ाई छुट्टी अब तो गाना गावे जाए के मतलब जब तक साज बाज पगावे बाब एक प्रैक्टिस करे के पड़ी अब कैसे कैसे एकरा के हम बैलेंस फील हो कब कि हम ना बता सके एकरा में कितना टूटे के झुके के और मरे के पड़ल बा दू गो दिया एक साथ ही आंधी में लेके चले के एगो पढ़ाई के एगो संगीत के लेकिन केहू बा जे रुआ के देवे वाला बात हां जे बहुत बड़ बात जे देवे वाला बा वो कैसे संभार लेला अभी तक हम वही विश्वास पर जी रहल बानी हमरा ना लगल कि कब पढ़ाई छूट गई लॉ कॉलेज में रही लॉ कॉलेज पास कर गई कनी कनी
संयोग से भोजपुरी अकेडमी खुलल सेवा में चल गई। यह यावन जीवन यात्रा रहल, संगीत में ओजा गईली रेडियो में गावे खातिर। पहल के प्रोग्राम में मतारी दाखिल विंध्यवासिनी देवी जी ओर के रहे नियम की पहले गीत सुनाई, वहाँ के टेबल पकड़ी लेके यहाँ से गाना सुनत रही। पहला बार देखे के मिलल कि यह विंध्यवासिनी देवी जी हैं, और जो वहाँ के गाना चेक कैली कौन कौन गीत आप गाएंगे, गाना चेक भी क्या करते हैं विद्यार्थियों प्रति, इतने सारे गीत मैं रेडियो सुनकर लिखता हूँ, बहुत बढ़िया संग्रह है आपके पास, ठीक है चलिए स्टूडियो में आती हूँ, वहाँ साज बाज के संगे फिर वो सुन ली, उगर बाद जाए लगली तो वहाँ के जाए लगली तो कहली हमरा के कि आराम से गाइए, आवाज अच्छी है आपकी, आपका नाम होगा आज कहीं ना कहीं विंध्यवासिनी जी के। भैया हमने आग्रह बोलवे कि पहिलका गीत तनी हमने के सुना दे दी जा, धन्यवाद दी जा। निर्गुण गौरे रही बहुत उकरा कुहा के बहुत खुश भई रही, हमें हम सुनाओ ने माता जी के याद करत रहे, हमरा के बेटा इसन वहां का मान करे कहीं रास्ता में मिल जाए भिक्षा कुहा का रह तो सुना सुना हाई झूमर सुन ले बड़ा कि ना हाई बियाह के सुन, तो लोग के लगे कि भाई ये तेरा के पकड़ के इसे सुनावे ली, तो हमने वो रास्ता में इसे ना करे के चाहिए, तो कहली कि लोग के सूचे दो तू मिल जाला तो हम अपना के रोक ना पाई, अब पता ना का कोना जन्म के कुछ होई। अब हमरा लागे लगे ना वहाँ के अंदर हुए वो सहज कलाकार जन रहे, अब वहाँ का लागत हुई हमरा के अब हम पात्र रही कि ना वहाँ को गाना सुने के, पता ना आज तक हम एकरा पर सोच रहल बनी कि वहाँ के काहे हमरा के इतना मानत रहे, तो हो सकेला ब्रह्मांड में लोग कहत ऋषि लोग के जन्म जन्मांतर के संबंध हो सकेला, कभी के वहाँ के कोनो होई चाहे हमरा मिले के रहे वहाँ के आ गई वहाँ से भेंट ना होई तो पता ना हम के जाएगी, तो जरा जो मिले के बाद हमारा भी विश्वास हो गए वो निर्गुण के बड़ी वहाँ पर तकलीफ कर लिया, हम निर्गुण पटने रेडियो में और पहले से भी लोग गावत रहे, तो हम वो दिन निर्गुण गौरी वो है हम दू लाइन सुना दे जरूर जरूर। नई रे बहुरिया अरे चले ली ससुररिया धीरे धीरे बालमा अखिया लोरवना बहावा धीरे धीरे बालमा अखिया लोरवना बहावा धीरे धीरे बालमा नई रे बहुरिया चले ली ससुररिया धीरे धीरे बालमा अखिया लोरवना बहावा धीरे धीरे बालमा अखिया लोरवना बहावा धीरे धीरे बालमा कि चानन लकड़िया के अरे सजला से जरिया धीरे धीरे बालमा कि चानन लकड़िया के सजला से जरिया धीरे धीरे बालमा कांचे नींदिया ना जगावा धीरे धीरे बालमा कांचे नींदिया ना जगावा धीरे धीरे बालमा कि ए हीरे दुनिया के कि ए हीरे दुनिया के हाल बाबे हाल धीरे धीरे बालमा कि ए हीरे दुनिया के हाल बाबे हाल धीरे धीरे बालमा मनवाया लखा जगावा 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 धीरे धीरे। बहुत बढ़िया बहुत बहुत वाह बतनी है यहाँ के किशोर दुबे जी जरा के विंध्यवासिनी देवी के आशीर्वाद मिलल होके, तो विंध्यवासिनी देवी ऐसा कलाकार रही एक बहुत छोटा अनुभव बा हमारे जीवन के आखिरी इंटरव्यू पर हम करे गए महीना पहले,
डॉक्टर के गला से आवाज ना निकलत रहे और गईली तो बहुत एक अंतर है एकरा में के छूट गेल बा हम गा दे तनी मुकम्मल जी जी बिल्कुल बिल्कुल काची काची बासवा के और डोलिया बनोला धीरे धीरे बालमा की काची काची बासवा के डोलिया बनोला धीरे धीरे बालमा तनिका कन्हिया लगाव धीरे धीरे बालमा तनिका कन्हिया लगाव धीरे धीरे बालमा मनवायल ख जगव धीरे धीरे तो वाह अभी तो चलत बा भोजपुरी संगीत में गीत संगीत में भोजपुरी के लेकर के बड़ा बने बात की बड़ा कैसे हुआ जब तुम गाओ कब से बिगड़ाओ शुरू हुए कब से काम असल बात दू धारा तो सृष्टि के साथ ही चले ला जैसे देव और राक्षस अंधकार प्रकाश दू भाव तो हमेशा रहे ला तो अब दू भाव के हिसाब से भोजपुरी में चल रहा बा लेकिन हमारा एक विश्वास बा चाहे इस सत्य बा कि सत्य परेशान हो सकेला पराजित ना हाँ कतनो उचली लेकिन जौन सत्य बा जौन हमनी के बढ़िया चीज बा उहे अंत में आई वो तो उबाल हर जगह बा माने शुरू से भी अगर देख ली तो दू धारा के चीज चल रहा बा अब हरदम रही तबे ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के थ्योरी लागू होई हमनी के जौन भाव बा वो कब खत्म ना हुई और चलत रहेला अच्छा धीरे धीरे का होला कि मन में भी परिवर्तन होला ठीक बा चीज आजकल चल रहा बा भोजपुरी में तो ओकरा खातिर दोनों पक्ष दोषी बा चाहे वाला भी रचे वाला भी कबो कबो रचे वाला के मजबूरी हो जाला कि भाई अब बाजार में जहाँ जाए बाजार और संस्कार दूगो चीज बा अलग अलग संस्कार जहाँ होला जब व्यापार ना हुई अब व्यापार जहाँ हुई हो जा संस्कार के मने मने निर्वाह बड़ा मुश्किल बा तो यही से बात तो बाजार में जे बा व्यापार में जे बा ओकरा थोड़ा सा संस्कार से तलवे हो गेल बा लेकिन एकरा चलते ही ना संस्कार खत्म हो जाए अंत में वो संस्कार दिरिया वही के बा अब लोग में अपने अपन भावना आ जाए और वो एक तरह के भोजन कर तनी कहे न कहे वाला कि भोजन हमारे खातिर ठीक नहीं खे देखिए वो शुभ दिन आवे और हम का बोल सकी ना कहे कि चाहे वाला तो दोनों के बा ठीक बा लगता कि जो संस्कार वाला चीज बा ओकरा के कुछ कम लोग चाहता ओकरा के ज्यादा चाहता अच्छा अभी ग्लोब एगो गाँव हो गई बा पूरा वर्ल्ड अभी इंटरनेट के चलते ते एकरा से का हो रहा बा कि पहले स्वाद आ चीज लिमिटेड रहे तो एगो संस्कार बन जात रहे अभी का बा कि बच्चा उठा था जैसे ही होश संभाला तो ओकरा मीडिया पर हाथ जा रहा बा अब अमेरिका के संस्कार फ्रांस के इन्ने उन्ने जो हो गया ओकरा में भला जो कह जाता कि मिक्स्ड हो गया में मिक्स्ड हो गया पर कौन हमार रास्ता हुई ये बड़ा मुश्किल अभी हो गया अब वह के जन अंत तक बुझाई कि ना कि हमारा का अपना के चाहिए हमार का और ये सब जगह ये सबके टेंशन लोहा सिंह नाटक का बोल दाल बा तो जाइए हम उस सुनी तो सुन सुन के लोग हंसे हमनी के तब लेकर ये डायलॉग बुझात ना रहे लोहा सिंह जी के मतलब बहुत भारी आवाज फाटक बाबा खदरन को मदर भगजुगनी बुलाकी ये सब सुन के नौवा बड़ा अच्छा लगे गांव में नाव होते रहे सन बात ओरी के भाई जब हाई स्कूल में नहीं तो हाई स्कूल में तो घर से मैं संजोग से रेडियो आ गया तो फिर रेडियो में आवे लागल तो सुने लगी तो बचपन से वो हमारा जो आदत रहल कोनो चीज के नकल करे केहू के कैसनो टेढ़ बोली के केहू के जैसे थेथराह बोली के ओकरा भाती कई बार पिटाइलो बानी गांव में माने मंच पर बोले में रुपया मिल रहा था नीचे उतरने तो बड़ी पिटाई हाँ तो सात पुस्त के गाड़ी हाँ कि फलनवा के बेटा तोरा ये काम मिलल बा लेकिन हम का जानते नहीं उस सब चीज आ जाके हाँ ये सब चीज कहीं ना कहीं जाके रोगा के गौर बनावेला तो सब जितने लोग पीटल मारल बाप दादा के गाड़ी दिहल सब आज आशीर्वाद हो गए यही में हम लोहा सिंह जी के डायलॉग के नकल कर लगनी चाहे तहे सुनाई तो लोग हंसे तुकबंदी करत रही भाई कहीं से कॉलेज में दू बजे सवाल चलत रहे कि पटना नाम लिखाओ जाके सासाराम बाबू बाबू जी के माली हालत ठीक ना रहे मिडिल स्कूल के टीचर रहे वहाँ का
अंत में तय भल की तू ससरा में पढ़ तो हम अच्छा भल की पटना ना पढ़ली ससराम ना पढ़ती तो हमरा अपना गुरुजी से भेंट ना होई ससराम कॉलेज में पढ़े गई तो वहाँ का हमारी प्रिंसिपल रही तो हमरा पता चला लोग से कि लोहा सिंह बड़न वे प्रिंसिपल है तो हमरा लागल कि चल लोहा सिंह के हम देखियो ले तो वह संजोग बाईसन कि हम एडमिशन लेवे गई देखी कैसे संजोग होला एडमिशन लेवे गई तो अभी वो जो एडमिशन फॉर्म होला वो छपल ना रहे नया सेशन के तो हम बड़ा बाबू भी गई तो कहले कि एडमिशन फॉर्म तो अभी आया नहीं है तो सीधे के जन का हमरा मन में आए कि अभी एडमिशन नहीं होगा एडमिशन फॉर्म नहीं आया हमरा मन में किजन कहां से ऐसे कहते नहीं बार बार कि ब्रह्मांड में का घटित होखे वाला बा केकरा केकरा से कब मिले के बा के रुआ के नीचे गिराई के ऊपर उठाई सब प्रारब्ध तय कर रहे जी हमरा मन में आ गई कि हमरा यही बहाने जाए के चाहे प्राचार्य दाऊ पुत्री प्राचार्य महोदय है क्या लिख के टांगल रहना चपरासी से हम कहली कि और तो भोजपुरी इलाका सा सर हम जरा सा मिलल चाहब सर से काहे खातिर वो हमरा नाम लिखवावे के बा बड़ा बाबू खातिर के फार्म नहीं थे जाई मेरा कॉलेज के बेटा मिलल चाहता हूं गई नहीं प्रणाम कर कहिए कहो मुझे सर मैं किस पास पहले बनी हूं आर्ट्स में फर्स्ट डिवीजन से लो वाह आर्ट्स में फर्स्ट डिवीजन में जी तो एडमिशन ना एडमिशन लो कोई सर बड़ा बाबू कहत रहे कि फार्म नहीं खे अरे फर्स्ट डिवीजन लड़का आई बा फार्म बिना फार्म का एडमिशन हो अब बड़ा बाबू को बोलवावले कहले कि और औपचारिकता बाद में हो जाई अरे फर्स्ट डिवीजन से शुरू करी तब वो संजोग हो बैठी पर आई दिन बात खत्म हो बहुत बड़ा आदमी रही तो हम बहुत नाम लिखाओगे लेकिन ई जे हम देख ली कि अब हमरा कहीं हमरा आज लोहा सिंह से कहीं बैठ भइल गांव में सब सब झूठो कह रहे सब सब हमरा आज दिल डोल वहां कर रहे बड़ा चेहरा ये चश्मा लगावे वो मन में एगो कहीं जागल कि बहुत बड़ कलाकार का पार्टी अभी विद्वान भी बने ये हमरा चलते बिलाव अचानक एक दिन भइल कि जे नाटक में भाग ले चाहत होके यूनिवर्सिटी में कंपटीशन बा वो भाग ले चुनाव भाई जे जे भाई कहाँ के बड़ा नाटक गांव में ही सब एगो टीम बना तो मैं वहाँ के ना लिखल नाटक रॉबर्ट वो मैं रघु के भूमिका हमार हास्य रस के घर के नौकर जे हर बात ही बात बना होता वो रोल भाई वहाँ के डायरेक्शन हमें डायरेक्शन करके बताई तो हमने के लगे कि आज लोहा सीन के हमने के डायरेक्शन कर रहा बनी और वो चल चल के आ बोल के बताए ओकरा में वो नाटक गई यूनिवर्सिटी में और सेकंड नाटक भई आ हमार रोल के बड़ी प्रशंसा भई और बाद आके वहाँ के बधाई देली और जैसे बात खत्म हो गई फिर हम पटना पढ़े आ गई हम पढ़े लगनी रेडियो में हो गई फिर रेडियो में रिझन भाई बन गई जे बुधन भाई के जगह पर भोजपुरी बोले खातिर होत हो वहाँ के जब आई तो भेंट होके हाँ तो गुरु जी और वो सब साथ में भेंट होके एक दिन वहाँ का अचानक कहली हमरा के अच्छा भैया तनी मई रुपल चाप आ गया से तनी कुछ गालो सुना दी बस तो तब एक लाइन पर एक दिन वहाँ के रेडियो में रिहर्सल करत रही सी घास को बैठ के जाड़ा के दिन रहे हम रिजन भाई की ड्यूटी में रही चौपाल जल तब देखने की रिहर्सल थे गुरु खत्म कहली वहाँ का अब लागत था कि दुबे के जरूरत बा लोहा सिंह नाटक मंदिर जब लोग आशीर्वाद आज ही तोहरा करे के हम अभी डायरेक्टर से जाकर परमिशन लेते हैं तोहरा रोल हम लिख दिलवे वो दिन से हम कवि जी बने लगली अब वो का चीज रहे कतना वहाँ के हमरा के दुलार दिलवे नहीं करा के हम सब दिन ना कर सकी समय कम बा आई अपना गुरुदेव के हम याद करत हैं आज मंच पर जाई ला तो वहाँ के डायलॉग हम सुनाई ला अपन संगीत के प्रोग्राम में भी वहाँ के दो चार गो डायलॉग सुना के वहाँ के प्रति श्रद्धांजलि अपेक्षित करी हमरा लगे लगे अगर वहाँ के जीवन में हमारा नाम मिलल रहती और मतारी विंध्यवासिनी देवी तो पता ना हम कहाँ रहते चलिए दो चार गो डायलॉग सुन एक बार लोहा सिंह जी कहीं से बाहर से आई ले त
खदरन के मादर अथी मदर जो रही छोय 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 कुछ अपन ना बहरा लोग आए चाहे छे बोलत रहला आ सूप में चाउर फटकत रही बोलत रहे तो शुरू हो गए कि फाटक बाबा हम काबुल का मोर्चा पर एक से एक कर्नल का मेम आ सर्जेंट का मेमिन देखा बाकी इसको डिजाइन का एको नहीं था हमको तो बुझाइबे नहीं करता है कि है खदरन को मदर मेम है कि मेमिन है आ कबो कबो यो बुझाता है फाटक बाबा कि इसको बनाने के बाद विधाता उस सच में तुर दिया जोना से इसको डिजाइन का दोसर जनने नत पैदा हो गया जानते हैं फाटक बाबा हम मर्दाना लोग अपना मगज का इस्तेमाल करता है ऐसे हम लोग का कपार का बार उड़िया जाता है हई मेहरारू लोग दिन रात चर 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 करता है यही सही सबके दाढ़ी मोछ नहीं होता है दूसरे डायलॉग भाई में सभी में चीनी जाएगा अब दूसरे को डायलॉग देखी फाटक बाबा कुछ बात कहले तो कहले कि से फाटक बाबा आप भी दोनों साइड में कनेक्शन में बात रेशन मारती है और रामायण और महाभारत दोनों के मौसियाल भाई बोलता है हाई कलौटी का गलत फैमिली वाला बात कही है फाटक बाबा आए आपको ज्ञान को वाणी सुन के फाटक बाबा हमारा दिल का कली वैसे ही खिल जाता है जैसे पान का पीत पड़ने से कटहर का कुआ बल बल आ जाता है ये सब बिना एकदम बिल्कुल ही समाप्त हो रहा है भैया ये सब ये वो लास्ट स्टोरी परिवार नियोजन पर बहुत सन्नारा होत रहे भारत सरकार के तो उनको उन्हों के इंस्ट्रक्शन मिलल के कुछ लोहा सिंह नाटक में तब परिवार नियोजन के मैसेज देवे खातिर अपना नाटक में तो एक बार उनका परिवार के लोग कहता कि कुछ काबुल के मोर्चा के खिस्सा कहानी सुनाई तो कहूँ कि फाटक बाबा एक बार काबुल का मोर्चा पर कर्नल आ जर्नल लोग जानवर का मेला लगाया ओमें एक से एक हाई क्वालिटी जानवर आया फाटक बाबा आ तले माई डियर चैंपियन एगो जर्सी साढ़ो गलत फैमिली से आ गया उस साढ़ इतना डिजाइन का था कि उसको देखने खातिर भीड़ लग गया कर्नल खिसिया गया खिसिया के टिकट लगा दिया टिकट काटे का डिप्टी हमको दिया हम टिकट काटती जाती थी या लोग के साढ़ के चैम्बर में दर्शन खातिर बैठती जाती थी तले एगो हिंदी आया बोला कि हमको कंसेशन में दीजिए हम कहा कि कंसेशन कंसेशन नहीं है इंडिया का गेट से आउट होको तो वो बोला कि हम है हमारा जनाना है और 18 को लेकर है हम साथ देखेगा हम कि आप है आ जनाना 18 को लेकर आप बहसी का ठड़ा है भीतर आइए कुर्सी पर बैठिए चाय पीजिए आप सण काहे देखिएगा हम सणवे को खोल के लाते हैं वो आपको देखेगी अद्भुत आगे पीछे ना होगा तो ये यहाँ के रहने और मूड में आई ना और जब बोल बनी जी बात होगा मैं आगे भी हम एक 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 बात और कली यहाँ से सुना ली बहुत संक्षिप्त में कि चित्रगुप्त जी के जन्म शताब्दी वर्ष भी चल रहा होगा और वो उनका से भी एसोसिएट कर रहे उनका छोटा सा कोई प्रश्न बताए बिहारी बाबू फिल्म में गीत लिखे के मौका मिलल हमरा तो पहले तो बड़ा डर लगे लगल तो फिल्म में गीत लिख ले ना रही हम बार बार वो लोग से यह बात कहते कि केकरा से भगवान सरस्वती का करवाई है एक चीज हम कह चाहब कि हमरा जीवन में सब कुछ अचानक आई बा हम कहीं से अपना को लायक योग्य पात्र ना मानत रही आइल बा हम ओकरा के लेली के अच्छा हो सकला ब्रह्मांड के आदेश पर चल के देखा था नहीं गीत लिखे के मौका मिल गल बिहारी बाबू में हम ओकरा पहले कोनो फिल्म में गीत तो लिखले ना रही भीतरे से डर लागे लगल अच्छा नाम अतना धाकर चित्रगुप्त जी म्यूजिक डायरेक्टर दिलीप बोस गंगा किनारे हमारा गाँव के ही जुबली डायरेक्टर अब हमारा बड़ा अथी रहा हम भाई हमरा से गीत लिखवाई लोग अच्छा शत्रुघ्न सिन्हा जी स्टार उनकर भोजपुरी फिल्म हम चुपचाप चल देनी पटना से मित्र लोग कहल कि हो सकला तरह लौटे के पड़ जाए
कहे ओजा तो बहुत बड़ बड़ गीतकार लोग बा हमने हम खाली चित्रगुप्त जी के दर्शन कर ले मालूम हो जाने कोना चीज खातिर लौटावल जाता देख ले हम तो मानते मन कि हम गीत ना लिख सके एकदम लड़का बन 85 के बात है 85 के हम चल गए मैंने दिलीप बोस जी की हाँ उन्होंने कहा कि पहले कि ये सिचुएशन है जे चंदन गौली है राखी वाला गाना वह सिचुएशन हमारा पहला होटल में मिलल और कहा कि कल शाम को जितना लिख सकते हैं आप लिख लीजिए कल चित्रगुप्त जी के साथ आपकी सीटिंग है 3 बजे अगर उन्होंने ओके कर दिया तो ठीक है नहीं तो आप बैक हो जाए और वह तनाव के कल्पना कर सकेला हमरा के होटल के कमरा मिलल अब हमारा होटल ना लागत रहे अब हमारा अपना के प्रूव करे के रहे हम जितना सोच सकत रही उतना सोच ली कैली दिलीप दादा अले टैक्सी में लेके गए उन्होंने रास्ते में हमको हमारा याद बा अभी तक रास्ता में हनुमान जी के मंदिर कहूँ तुम हनुमान भक्त हो ना हनुमान जी के हम भक्त ले गए से तो देखो मंदिर है जाओ प्रणाम कर लो मैं तुमको पसंद करता हूँ आज दिलीप बोस भी नहीं खन दुनिया में दुबे मैं तुमको पसंद करता हूँ चित्रगुप्त जी को मैं प्रभावित नहीं कर सकता क्या होता ना कोई बात नहीं हनुमान जी के दर्शन करके अली गाड़ी और गई चित्रगुप्त जी के तो आनंद मिलिंद जी जे बेटा आजकल सुपर म्यूजिक डायरेक्टर वो लोग रहे हम लोग बैठ गए चित्रगुप्त जी भी अली तो दिलीप बोस जी ने कहा कि चित्रगुप्त साहब थोड़ा आपको प्रणाम कर वो घेरा वाला डोंगी सैंडोगंज चेन और गोल्डन घड़ी और दिव्य रूप फिर बैठ गई तो दिलीप बोस जी इंट्रोड्यूस के लेकिन यही दुबे है चित्रगुप्त जी ने कहा कि आपको तो सिचुएशन मिला है कुछ लिखा है आपने जी कोशिश की है मैंने ठीक है सुनाइए तब मैंने गुनगुना के सुना सकेला हम भोजपुरी ऐसे बोलने कि भोजपुरी आ रहा तनिको मैंने दया उनका हमारा प्रति आई लेकिन वो भोजपुरी ना बोले लेकिन ना ठीक है ठीक सुनो ली उन्होंने लेकर रहने दी तब अब वो हो गया अपन चाय पानी चलन तो दिलीप बोस जी ने पूछा कि क्या चित्रगुप्त जी क्या सोचा जाए तो हमारा याद हो गया चित्रगुप्त जी खड़ा हो गए तो हमारा लगल कि जन यह कह वहाँ का कि अभी कोशिश कीजिए ये सब सब्जी वाला हमारा खाली तो बहुत बड़ बात रहे हम सोच लो ना रहे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए लेकिन आके बड़ा स्नेह से हमारा खाले बढ़िया समझदारी है ये लिख लेंगे आप जाइए दादा हो गया अब इनको ले जाते हैं सीटिंग में अभी कैसे सब हो गए अभी हम ना बता सके कहीं हमारा मिले के रहे और बाद बैठ गए और बाद जब सीटिंग में बैठे लगली और बाद जो चित्रगुप्त जी हमारा के मैंने बेटा नियन जो मान लानी भोजपुरी बोले लगनी आ तना भोजपुरी जब हम के ना बता सकी आज वहाँ पर स्वर्गवासी हो गए बनी बहुत ढंग से वहाँ का एक दिन हमारा कुछ नहीं कि हमार गाना काहे पसंद करे लग तब मुझे चाचा जी वह भोजपुरी कान के जानकारी बाकी भोजपुरी कान कैसन स्वर पसंद करेला और रउआ भोजपुरी के गाना तो अपने अंगूठी बा ओकरा में हीरा के नगीना जड़ दी जाए यह से ओकर चमक हो जाला यह अब आज कोई दूसरा म्यूजिक डायरेक्टर के दियाई तो ग्रामर तो ठीक करी मेलोडी भी लागी लेकिन कहाँ का जड़े के बा वही गलती हो जाए फोक के ज्यादा प्रयोग करब तो जियान हो जाए वो कंपोजिशन हो जाए फोक ना रही फोक के मतलब है वन में फुलाई फूल गमला के फूल ना गमला का फूल तरुआ अरेंज के लिए बनी वन के झुरमुट में से जो फूल लौकत हो गए वो है फोक इस समझदारी जब तक रही जैसे फोक कहीं होत हो के तो कहे के मत पड़े कि फोक है फोक में और सुगम संगीत में बड़ा महीन अंतर एकरा के मेंटेन करे के ना तो फोक जहां सुगम संगीत भई तो मजा ना अब मकुनी में रहुआ सातू ना भर के सूजी भर तो मकुनी हो ही ना ना बस ये अंतर और काम भैया वो गनवा के दो लाइन तनी सुना देती हूं का चंदन सुनो लिया ना अरे रुवा रुवा अपना विधा बताई हां रुवा अपन पसंद के विधा बताई चंदन सुनो रुवा जो सुनो चाहत कौन विधा चंदन से हम सुनल चाह सोहर सुनाओ
आपन लोग जिंदगी भर कष्ट दे साल के बाद गहराई बनी हुई है। अच्छा आज तक लगता एक आदमी से पूछे कि शेयर करी तो कहता कि जहिया ई लाग जे कि ए ब्रह्म अच्छा कइली वही दिन समझ लिया खत्म हो गई। ई टेंशन रहे के चाहिए कि हम और अच्छा कर सकते हां ए ब्रह्म लगता अच्छा ना हो कि जी विषय वाला जो मत हो नहीं हो चलो सुनाओ खूब नॉर्मल हो जाए जुग जुग जिया सो बाबुआ भवनवा के भाग बटे हो जुग जुग जिया सो बाबुनिया भवनवा के भाग बटे हो रामा बबुआ हवे कुलवा के दीपक जगमग अंजोर बाटे हो रामा बबुनी हाई कुलवा के दीपक सगरोई सोर बाटे हो आजू के दीनवा सुहावना औरी मन आजू के दीनवा सुहावना औरी मन भावना हो रामा आजू सुमंगल दीना महलिया उठ सोहरा हो रामा आजू सुमंगल दीना महलिया उठे सोहरा हो बबुआ के होखी सगरो नाम कमई है खूब दाम ना हो बबुनी के होखी सगरो नाम कमई है खूब दाम ना हो रामा आव सब मिली देहू असीसाई घरवा रहे बनला हो रामा सब मिली देहू असीसा महलिया रहे मंगला हो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत और विधा बताइए कजिन सुना कजरी विश्वनाथ सहदा जी के रही करत दूध के कुल्ला हो रहनी करत दूध के कुल्ला छील के खाते रही रसगुल्ला सखी हम तो खुलम खुला झूला झूलत रही झूला झूलत रही बुनिया फुहार में सावन के बहार में न झूला झूलत रही बुनिया फुहार में सावन के बहार में न हसली चमकल मुरादा कि हसली जमकल मोरा दात कैलस बिजली के माँ रहे संजनात दाना कहाँ ओ दाना कहाँ का बोलिया नार में सुधर कतार में ना दाना कहाँ का बोलिया नार में कतार में ना रहली करत दूध के कुल्ला छील के खात रही रसगुल्ला
झूला झूलत रही कि झूला झूलत रही बुनिया फुहार में सावन के बहार में ना झूला झूलत रही बुनिया फुहार में सावन के बहार में ना। अभी हमने धर्मराजी बसमतिया चाउर सुना दी है, बसमतिया चाउर ये वो याद होता। हाँ खड़े सुना दी बाप बड़ा आसरा लगा रहा बेटा में कि बेटा ध्यान हो तो हमारा खाती तो वो गाना रहे तो भाई याद होता। आज वो गाना बड़ा मैंने लगता कि सब जगह जैसे बागवान वाला स्थिति आजकल सगरो समाज में तो समसामयिक भाई का कि तू ता जैसे जैसे रोपया कि तू ता जैसे जैसे रोपया कमाए लगल बबुआ बबुआ बाबूजी या माई के भुलाए लगल बबुआ बाबूजी या माई के भुलाए लगल कि तू ता जैसे जैसे रोपया कि तू ता जैसे जैसे रोपया कमाए लगल बबुआ बाबूजी या माई के भुलाए लगल बबुआ बाबूजी या माई के भुलाए लगल कि तोहरा में देखले रही सरवन कुमार के बनवा सहारा एक दिन बुढ़ैल चार के तोहरा में देखले रही सरवन कुमार के बनवा सहारा एक दिन बुढ़ैल चार के कि तू ता दूधवा के कारा जा भुलाए लगल बबुआ बाबूजी माई के जग में माई बिना के हुए हो जग में माई बिना के हुए सहाई ना होई हो सहाई ना होई के हो कितनो दुलारी बाकी माई के हो कितनो दुलारी बाकी माई ना होई सुख दुख रतिया बिनवा सहली मुख से कबहू कुछ ना कहली सुख दुख रतिया बिनवा सहली मुख से कबहू कुछ ना कहली उनका आचरा से बढ़ी के उनका आचरा से बढ़ी के रजाई ना होई हो बहुत बढ़िया रजाई ना होई के हो कितनो दुलारी बाकी माई ना होई के हो कितनो दुलारी बाकी माई ना होई। बहुत बढ़िया यहाँ के विकल्प फिर से एक बार सुनाओ नया सूत्र।
की राखी हर साल काहे ले। ब्रजकिशोर चाचा जी के लिखल गीत जो हम अभी गा रहे बनी यहाँ के लिखल गीत बहुत बिहारी बाबू फिल्म से की राखी हर साल काहे ले हो राखी हर साल काहे ले सवनवा में भैया रखी हाँ तू अपना मनवा में भैया रखी हाँ तू अपना मनवा में। गाना में ये एक विशेष चीज रहे कि आज तक जे भी राखी में गाना हिंदी चाहे भोजपुरी में आई रहे तो हमें आवत रहे कि बहिन कहत या भाई कहता। यह गाना में एगो विशेष बात हमरा से भगवान जी सरस्वती लिखवा दिली कि राखी के धागा खुद बोल रहल बा, राखी कहता का चंदन से सुनी। राखी हर साल कहे ले सवन रखी हाँ तू अपना मनवा में भैया रखी हाँ बहिनी के रखी हाँ अपना मनवा में रुवा गाने करके तो हाँ रुवा सुन नहो लिखले बा राखी हर साल कहे ले सवनवा में राखी हर साल कहे ले सवनवा में भैया बहिनी के हरदम रखी मनवा में बहिनी बसलू तू हमारा परनवा में बहिनी बसलू तू हमारा परनवा में तोहरी मनसा पुराइब हम सवनवा में राखी हर साल कहे ले सवनवा में। तो बहिन कहतिया कि राखी के धागा के ता महिमा अपार हो गंगा जी से बढ़ के भाई बहिनी के प्यार हो निहिया दोनों के बन्हाइल हो बन्हनवा में निहिया दोनों के बन्हाइल हो बन्हनवा में देखा टूटे नहीं कबई सपनवा में बहिनी बसलू तू हमारा राखी हर साल कहे ले सवनवा में। बहिन कहती है कि जहिया तू दुल्हा बनके बन्हबा मऊरिया जहिया तू दुल्हा बनके बन्हबा मऊरिया सेती है छोड़ब नहीं रोकब दुआरिया नेग देख जाए पैबा तू भवनवा में भैया बहिनी के रखिया। तो भाई का कहता कि राखी के नेगवा में दुल्हा ले आईब राखी के नेगवा में दुल्हा ले आईब अपना ही हाथे हम तोहक सजाईब हीरा मोती जड़वाईब हो कंगनवा में हीरा मोती जड़वाईब हो
कंगनवा में तोहके चांदी के डोली में भेजब चांदी के डोली में गवनवा में बहिनी बसेलू तू हमारा परनवा में। तो आखिरी डिमांड भाई डायरेक्टर के और खास करके शत्रु भैया के भी कि कहीं से बिहारी बाबू हमें नाम आ जाए ओकरा खातिर एगो अंतिम छंद लिखाई कि जैसे हो सुभद्रा जी के किसन कन्हैया जैसे हो सुभद्रा जी के किसन कन्हैया उनुके उनुको से बढ़ के तू उनुके जैसे हो सुभद्रा जी के असबत बहुत दिन हो गेल बा गाना सब दिया जैसे हो सुभद्रा जी के किसन कन्हैया उनुके से बढ़ के हो तू बिहारी भैया जब से चनवा सुरुजवा गगनवा में जब से चनवा सुरुजवा गगनवा में तब से रहे नम भैया के जहनवा में राखी हर साल कहे ले सवनवा में राखी हर साल कहे ले सवन। हम चंदन इतना बढ़िया थोड़े गा सकते अब वो बात चंदन का आशीर्वाद भी अभी सीखले बड़ी हम सीखले नहीं यहाँ भाई अंतिम भैया के तो मैंने हमने के तरफ से बहुत बहुत बधाई बोल गए हमने के पूरा भोजपुरिया समाज के तरफ से पूरे बिहार की तरफ से भैया नाम रोशन की ये प्रोग्राम अभी सुनता सुनी लोग देखी लोग असल बात बहुत दो तीन दिन से हम बहुत परेशान बनी आवाज थोड़ा सा फंस रहा भाई ये सब सब तो एकरा के ध्यान में ना रखब अपन आशीर्वाद देव 40-45 साल तक तो खूब रात भर सुन ले बनी हमरा के बिहरत तो तीनों सप्तक में घुस जाएगा हम गाँव खाली अभी में जरा आवाज में तरीका सा अगर एने उन्हें आवता तो ये जान जाए कि बुढ़ारी के निशानी मन मरत नहीं के लेकिन कंठ के सीमा बा आशीर्वाद नहीं चंदन के चंदन के तो इनका नाम है चंदन बा चंदन विश्वव्यापक नहीं लिपटे रहत भुजंग ई कोनो समाज में जई है हमार आशीर्वाद बाकी चंदन के पहचान अलग से हो जाई और जो तरह के इनकर बारीकी बा गायकी बा जे हम अभी कह ली हां कि फोक के फोक रहे थी तो वो बात चंदन में बा गायकी में अपना ही थोड़ा प्रयोग करत रही आवाज के जोन आवाज से एकर भाव और थोड़ा बढ़िया लगत हां कहीं से ऐसा निकला कि जैसे प्रयोग दो तरह के होला एगो पांडित्य जना के अंधेरिया ग्रामर लाद देनी रुआ तो वो निक ना लगे अब लड़का छोट बाबरा के कमर दू गो पढ़ा देव तो बुझा के मुंह जाई तो ओकरा के एगो हल्का शौले ओढ़ाए फोक उहे चीज है प्रयोग अतने करी जितना वो बर्दाश्त करे वो तो अपने आप में इतना सुंदर बा हमने के माई बहन के गाला गावल गाना में कोनो प्रयोग के जरूरत बा तनिका से कतही देखी कोनासिल जगह रहती बा तनी चिकन कर दी काम चंदन कर रहल बड़ी हम जो बोल तरीके कोनासिल चिकन वो हमारे श्रोता समर्पित करे जाने खत्म हो गई बहुत ही बढ़िया है आवाज बहुत बढ़िया है प्रैक्टिस करत अड़ी रोज हम कहली है कि अभी एक मेहनत बाद में रंग लाई अपन गावत जा भगवान तरह के जरूर दी है आज बड़ू है लाइन में तो कुछ मिल ही के बा बस एगो अंतिम गीत इन्हीं के लिखल मनोवर के सुनात हम आइल बसंत गम गम हो आइल बसंत गम 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 के चारियो बसंत गम गम आइल बसंत गम गम
दिने बड़ी जो हो। पहला अंतरागार है बगिया में रंगे रंगे फुलवा खिलाई आम मोजराई गई ले मोजराई गई ले मन नारी आज बे उमंग जागे हो आज बे उमंग जागे जैसे पोर पोर हो के कोयल आरते दिन बड़ी जो शब्द के हमनी के गायकन के का तकलीफ होला के तुरंत शब्द आवे लगे सब तो बैठाए में दिक्कत होखे लगला ना। हां अभी कोनो ऐसा मामला थोड़े बाकी चलत जाई अब तो घाट बनाक पड़ला ना। अच्छा ओकर प्लेसिंग तो हमनी के जो टेंशन बाबू हम ही बुझ सकिले जा। अच्छा एक बार हरम जाला ना तो फिर डिस्टर्ब करे लगेला। ठीक बहुत बढ़िया बहुत जी भैया चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम सब लोग।